अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए मेरी बेटी भी है छोटी सी। हाय बोल दो। या चल, कल मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी तो उसके ऊपर बराह रास्त तो कोई नहीं आई, लेकिन एक दूसरे सोशल मीडिया से एक दो क्वेश्चन हुए हैं कि वो जो जूस कर रहे हैं या जहूदी कर रहे हैं, वो उन्होंने बैतुल मुक़दस बनाना है, ये बनाना है, उनका बॉक्स है, ये है। मैंने ये सारा मैंने ओवर एंड ओवर अगेन इतना पढ़ा, इतना इसके बारे में, यानी कि लोगों ने पैसा कमाया बता बता कर लोगों को उल्लू बनाया कि उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल वो उसके लिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुदा को तो मानते ही नहीं। अगर वो खुदा को मानते तो अल्लाह के जो सच्ची किताब है, ये सच्चे हुक्म है, उसको वो सही तरीके से इस्तेमाल करते, उसको गलत तो ना उसका गलत फ़ायदा उठाते। ठीक है, उन्होंने तो वैसे ही करना था। अब हम मुसलमान हैं, मैं आपको एक बात याद कराता हूँ कि जो अमानत हमें सौंप के गए थे ना हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़त्मे नबूवत, ख़त्मे नबूवत का सब लोग बोलते हैं, क्या के गए थे यार, 1.25 लाख का मजमा था वहाँ पे। हज़रत सल्लम ने सबको इकट्ठा करके कहा था कि ऐ मेरे सहाबा, कि मैंने अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दीन तुम तक पहुँचा दिया, उसका हक जो मेरे पास अमानत थी वो उसका हक अदा हो गया है। उन्होंने कहा हो गया है जी, बिल्कुल आपने सही किया, आपने वो अमानत बिल्कुल वैसी पहुँचाई है जैसी पहुँचाने का हक था। तो आपने कहा अल्लाह गवाह रहना, गवाह रहना, मीन के अल्लाह की तरफ उंगली करके 3 दफ़ा ऐसे ये अमल दोहराया, उसके बाद जाके आपने उंगली की उम्मत की तरफ कि अब ये मैं अमानत तुम लोगों को सौंप के जा रहा हूँ, क्योंकि अब नबी नहीं आएगा, लिहाजा ये अमानत मेरी आखिरी उम्मत को ये एक एजाज़ दिया गया था। वो अमानत क्या थी? अब उस अमानत थी कुरान, अल्लाह की रस्सी। ठीक, कुरान ही देख गए थे ना, और सुन्नत थी कि जैसे करके दिखाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, उसको और वजाहत की, जैसे भी कर ले, हमने उसका हाल क्या किया। हर घर में कुरान है, उसकी इज्जत की, हमने उसको पढ़ा है, हमने उसके ऊपर कभी गौर फिक्र दिया है? हमने उस अमानत में हमने खयानत की है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिसने अमानत में खयानत की, जो जिसने खयानत की वो हम में से ही नहीं है। ये बात मैं वाजिया करना चाहता हूँ, इसमें कोई मैं किसी को कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, ये अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में एक, मैं भी आप लोगों में शामिल हूँ। अल्लाह ताला हम सब सबको माफ़ फरमाए, लेकिन सच कहने की तौफीक अता फरमाए कि ये अब जो हम, ये हमारी गलती है, ये हमारी कमज़ोरी है, हमने अपने दीन की, अपने नबी की बिल्कुल कदर नहीं की, परवाह नहीं की। यहूदियों का 8 साल बच्चा तौरात का बड़ा आलम है, इसकी बात मैं फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये भी मैंने 6 महीने तक की है, ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़ा मैं बाद में आपके इंशाअल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी बड़े काम का है। अल्लाह हाफिज़।